नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि एक हॉट टॉपिक चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर में COVID-19 का सहम, इसका एक जैसे पैनिक बन गया है एंड इट इज स्प्रेडिंग, फर्दर स्प्रेडिंग डे आफ्टर डे। दिन ब दिन इसका कहर बढ़ता जा रहा है, नॉट ओनली इन वन कंट्री बट अब्रॉड, ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली COVID-19 को इन्होंने एपिडेमिक फॉर्म में डिक्लेयर किया था। एपिडेमिक हम उसे बोलते हैं जैसे इट कोई ऐसा कंटेजियस डिजीज जो कि छूने से फैलता है, वो बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट स्प्रेड हो गया ओवर अ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया, कहीं बहुत एरिया कवर कर लिया उसने, बहुत स्प्रेड हो गया। लेकिन ऑफ लेट इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ पैंडेमिक, यानी कि एपिडेमिक ओवर अ लार्ज एरिया, यानी कि ये जो फैल चुका है और फर्दर स्प्रेड हो रहा है, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वन जियोग्राफिकल एरिया बट इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में और पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसे पैंडेमिक फॉर्म बोलते हैं दोस्तों। इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, लेकिन वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट, कारगर, महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की बात करेंगे, और जो कि वायरल इन्फेक्शंस, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, वाई बिकॉज COVID-19 आजकल चल रहा है, उसका ज्यादा जिक्र हो रहा है, इसलिए कीपिंग दैट इनटू माइंड। अदरवाइज वायरल इन्फेक्शन तो बेशुमार है ऑलरेडी, क्योंकि हम वी आर सराउंडेड विद वायरल वायरस, वायरस इज एवरी टाइम, लेकिन कुछ हावी हो जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी टॉलरेट नहीं कर पाती, जिस वजह से वो डिजीज बन के सामने आता है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, मम्प्स हो, किसी तरह की कोई वायरल इन्फेक्शन हो, और ये COVID-19। दोस्तों, आइए देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप की 5 मेडिसिन की बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं इन फाइटिंग वायरल इन्फेक्शन, और इसको हम डिवाइड करूंगा इन 3 कैटेगरीज। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, एंड तक मेरे साथ बने रहिए, और समझने लायक बात यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिन का ज्ञान हम सबको ऑलमोस्ट है, लेकिन उसकी डोजेज कैसे लेनी है, उसका मेथड क्या है, वो शायद ही किसी चैनल पे आज तक किसी ने इसने विस्तार से समझाया हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नॉट इन द नेम ऑफ द मेडिसिन, लेकिन द मेथोडोलॉजी, उसका डोजेज देने का तरीका, आज उस पर जोर देंगे, उसकी बात करेंगे। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया दोस्तों। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है प्रोफाइलेक्टिक डोज, कि अब हमें नहीं है, अब वायरल इन्फेक्शन अगर परिवार में किसी को नहीं है, तो ऐसी प्रोफाइलेक्टिक डोजेज आती हैं जो हम लेंगे और वायरल इन्फेक्शन हमें ना हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी दोस्तों, अगर परिवार में किसी को हो गया है वायरल इन्फेक्शन, तो वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कि वो वहीं कंटेन्ड रहे, बाकियों में स्प्रेड ना हो, उसे प्रिवेंटिव मेडिसिन कहेंगे हम। द सेकेंड कैटेगरी इज द प्रिवेंटिव मेडिसिन। थर्डली द क्यूरेटिव मेडिसिन, अगर स्प्रेड हो गया है, काफी जकड़े जा चुके हैं लोग वायरल इन्फेक्शन से, इन्फ्लुएंजा से या COVID-19 से, तो उसको क्योर कैसे करना है, कौन सी मेडिसिन हैं और क्या डोजेज रहेगी दोस्तों, इन तीनों कैटेगरीज की वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले, सबसे फॉरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन, मैं आपको नाम अलग से बता देता हूं, फिर उसकी डोजेज इन तीनों कैटेगरीज में कैसे देनी है उसका जिक्र करेंगे विस्तार से दोस्तों। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इन्फ्लुएंजिनम। इन्फ्लुएंजिनम नाम की दवा है दोस्तों, डाइल्यूशन फॉर्म में 30, 200, 1 mg तक है, कैसे देंगे उसकी अलग से बात करेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम अगेन 30, 200, दैट इज द डाइल्यूशन फॉर्म में दोस्तों। उसके अलावा इंपॉर्टेंट मेडिसिन आते हैं आर्निका, आर्निका 30, आर्निका 200 की बात करेंगे। And the next important medicine is of course Eupatorium Perf, 230, all those dilutions. And then Gelsemium. Gelsemium again very important medicine दोस्तों, 30 potency में, 200 potency में। ये हैं टॉप की 5 कारगर दवाएं, और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनकी डोजेजेस डिस्कस करनी है, कैसे देनी है और किन सिम्टम्स में, किन कंडीशंस में हम दे सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखने लायक बात यह है दोस्तों, जो हमने फर्स्ट कैटेगरी डिवाइड की है, दैट इज द प्रोफाइलेक्टिक डोज। आर्सेनिक एल्बम 30 की 1 डोज, यानी कि 2 ड्रॉप्स दिन में एक बार मॉर्निंग टाइम में दे दीजिए, प्रेफरेबली एम्प्टी स्टमक दे दीजिए, फॉर 3 डेज, एटलीस्ट 3 डेज, अप टू 5 डेज, दैट इज इट।
अगर परिवार में किसी को अभी वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो इमीडिएटली राइट फ्रॉम टुडे आज ही आर्सेनिक एल्बम 30 की 2 ड्रॉप्स दिन में एक बार, प्रेफरेबली एम्प्टी स्टमक ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स, 3 से 5 दिन तक जरूर दीजिए. दिस इज गोइंग टू प्रिवेंट अस फ्रॉम टेकिंग दैट, फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड बाय दैट वायरल इन्फेक्शन. COVID-19 से अपना बचाव के लिए दोस्तों प्रोफिलैक्टिक डोज. सेकेंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी हमने बात की थी, दैट इज अगर परिवार में किसी एक को हो गया है तो उसको वहीं कंटेन्ड रखना है, उसको फर्दर स्प्रेड नहीं करना, बाकी परिवार वालों को, बाकी मेंबर्स को बचाना है तो वहां कौन सी मेडिसिन क्या डोज रहेगी. दोस्तों सबसे पहले याद रखिए, जो अनअफेक्टेड है, जो अभी वायरल इन्फेक्शन की जकड़ में नहीं आए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्सेनिक एल्बम 30 दिन में 3 बार, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ऑलरेडी परिवार में एक मेंबर है जो जकड़ा जा चुका है. इसलिए जो बाकी मेंबर्स बचे हुए हैं उनके लिए आर्सेनिक एल्बम 30 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार. अब बात करेंगे जो ऑलरेडी जकड़ा जा चुका है उसके लिए इन्फ्लुएंजिनम नाम की दवा है दोस्तों, इन्फ्लुएंजिनम 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन. अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है, सिम्टम्स बहुत ज्यादा सिवियर हैं, तो एक एक घंटे बाद भी हम रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज एवरी 2 आवरली हर 2 घंटे बाद इन्फ्लुएंजिनम 30 के 2 ड्रॉप्स फॉर दैट पर्सन हु हैज बीन अफेक्टेड बाय द वायरल इन्फेक्शन. और थर्ड कैटेगरी दोस्तों, जो ऑलरेडी जकड़े जा चुके हैं उनके लिए क्यूरेटिव मेडिसिन क्या रहेगी, सो दैट वो रिकवर कैसे करें, उनके लिए मेडिसिन मैंने जैसे नाम बताए आपको, इन्फ्लुएंजिनम, आर्सेनिक एल्बम, आई रिपीट, आर्निका, यूपोटोरियम पर्फ एंड जलसीमियम, टॉप की 5 कारगर दवाएं. और सिम्टोमेटिकली हम मेडिसिन देंगे उनको. अगर कई बार केसेस में देखा गया है, जैसे पेशेंट को हाई फीवर रह रहा है, बॉडी एक्स बहुत रह रहे हैं, बॉडी एक्स, शरीर के अलग अलग अंग इस तरह से दुख रहे हैं जैसे किसने पीटा हो, इवन जो जिस बेड पे लेट रहा है वो बेड भी चुभ रहा है, उसको दुख दे रहा है, उसको तंग कर रहा है, वो भी चुभन कॉज कर रहा है, एक दर्द सब पूरे शरीर में उठ रहा है. और बाकी सिम्टम्स इन्फ्लुएंजा के हैं, COVID-19 के सिम्टम्स हैं, वहां आर्निका 30 काम करेगी दोस्तों. इन केस अगर फीवर बहुत हाई ग्रेड रह रहा है, जैसे डे ड्यूरिंग द डे ठीक रह रहा है, इवनिंग में जाके फीवर तेज हो जाता है और फीवर के साथ रिलेटेड हेडेक है, नोजिया है और बॉडी एक्स है और हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, वहां यूपाटोरियम पर्फ बहुत ही रामबाण का काम करती है दोस्तों. जहां फीवर को कंटेन करने में, उसको कंट्रोल करने में यूपोटोरियम पर्फ का बहुत ही अच्छा रोल है. जलसीमियम वहां काम करेगी दोस्तों जहां सिम्टम्स देखने लायक हैं कि बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन की वजह से जहां बहुत वियरीनेस रह रही है, टायर्डनेस रह रही है, मस्कुलर पेन रह रहा है, ऐसे लगता है जैसे कि कोई अंग काम ही नहीं कर रहा, जैसे पैरालिसिस हो गया, इस तरह की फीलिंग रह रही है, नंबनेस रह रही है, बहुत ही टायर्डनेस रह रही है, वहां जलसीमियम बहुत अच्छा रोल अदा करती है दोस्तों. बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन जलसीमियम 30 वहां उस पेशेंट को हम दे सकते हैं. ये तो थी दोस्तों ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन और कहां हमने तीनों कैटेगरीज में डिवाइड करके कैसे देनी है. आई होप आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगी ये वीडियो. डू कीप इन माइंड द नेम्स ऑफ दीज मेडिसिन और डू स्प्रेड दिस वर्ड, स्प्रेड दिस वीडियो, स्प्रेड दिस नॉलेज, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा. नॉलेज इज प्रिवेंशन दोस्तों, और इस मुश्किल घड़ी में लेट अस कम टुगेदर एंड फाइट दिस मेनेस ऑफ COVID-19 एंड ऑल द वायरल इन्फेक्शंस. लेट अस ऑल स्टे हेल्दी, सबको सुखी जीवन मिले, सबको हेल्थ मिले, इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.